युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा उद्घोष उपनिषदों का है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। वेद का मंत्र है, यो जागरत अमृचक कामयन्ते। गुरु नानक देव जी कहते हैं, जागो रोई जिन जागना, अब जागन की बार, फिर क्या जागे नानका जब सोवे पांव पसार। हम बड़ी सोच, कड़ी मेहनत और पक्के इरादे के साथ जब ये ठान लेते हैं कि मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा बनना है, और जब एक जुनून के साथ, मैं कहता हूं बार बार जिद करो और दुनिया जीतो। युवा यदि ठान लें कि मुझे विश्व जेता होना है, किसी भी खेल में मुझे विश्व जेता होना है, हेल्थ में, एजुकेशन में, सोशल सेक्टर में, पॉलिटिकल सेक्टर में, कॉरपोरेट फील्ड में, किसी कला विशेष में, नृत्य में, संगीत में, अभिनय में, किसी भी क्षेत्र में, मैनेजमेंट में, बिजनेस में, स्पिरिचुअलिटी में, आप यदि ठान लें कि मुझे वर्ल्ड में नंबर वन होना है तो आप वन हो सकते हैं। आप ठान लें कि वर्ल्ड में आपको नंबर वन होना है तो आप वर्ल्ड में नंबर वन हो सकते हैं। बस इसके लिए आप को ध्येय निष्ठ होकर के, एक निष्ठ होकर के, और उसको मैं ऐसा कहता हूं योग निष्ठ होकर के, सुबह की शुरुआत योग के साथ करो, योग निष्ठ होकर के, कर्तव्य निष्ठ होकर के, ध्येय निष्ठ होकर के, राष्ट्र निष्ठ होकर के, मातृ पितृ निष्ठ होकर के, माने माता पिता के सपनों को भी पूरा करने वाला आपको बनना है। मातृ पितृ निष्ठा, राष्ट्र निष्ठा, राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है, राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि है, राष्ट्र हित सर्वोपरि है। इस संकल्प के साथ जब आप कुछ बड़ा करने की ठान लेते हैं तो ये सारी सृष्टि भी आपकी मदद करती है, सही करती है। हाँ, यहाँ सृष्टि में दो तरह के तत्व, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जैसे आप होते हैं उसी तरह की नेगेटिव पॉजिटिव फोर्स आपको धकेलती है। जब आप नेगेटिव होते तो नेगेटिव फोर्स आपको तोड़ देती है, और जब आप पॉजिटिव होते हैं तो लाख बाधाएं, चुनौतियां, संकट, संघर्ष, कितने ही ज़्यादा आपके सामने चैलेंजेज आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, आप उन सबको पार करके बस अपनी मंजिल पा लेते हैं। तो मैं सब बच्चों से कहूँगा, सुबह एक घंटा योग तो ज़रूर करें, आधा घंटा तो कम से कम अवश्य करें, परीक्षा के समय भी 15-20 मिनट तो, चाहे सूर्य नमस्कार कर लें 10 बार, 2 मिनट लगते हैं, थोड़ा सा भस्त्रिका, कपालभाति, भ्रामरी उद्गीत कर ले तो ज़्यादा कंसंट्रेशन आपका बढ़ेगा। माने योग तो आपको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना, और अपने मन में एक क्षण के लिए भी कोई दुर्विचार का, हृदय में दुर्भावना का, जीवन में किसी भी दुर्गुण का, दोष का, दुर्बलता का आदर नहीं करना, एक क्षण के लिए भी बुरी चीज़ों का को आदर नहीं देना, उनको अपने भीतर पनाह नहीं देना, क्योंकि जैसा हमारा विचार होगा वैसा ही हमारा आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संसार होगा। विचारों ने ही मुझे स्वामी रामदेव बनाया, विचार ही किसी को कोई करोड़पति अरबोपति बनाते हैं, किसी को MLA CM PM बनाते हैं, प्रेसिडेंट बनाते हैं, अलग अलग जीवन के क्षेत्र हैं। तो आप सब अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं जिससे आपको भी संतुष्टि हो, आपके माता पिता को संतुष्टि हो, इस राष्ट्र को भी गौरव हो। तो युवा कई बार सोचते हैं कि व्हाट इज़ द अल्टीमेट पर्पज ऑफ लाइफ, व्हाट इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। उनको लगता तो है कि नहीं, जिंदगी भगवान ने किसी बड़े उद्देश्य के लिए दी है, सामान्य उद्देश्यों के लिए जीवन को जीना है तो जीवन का अनादर है, तिरस्कार है। और जब आप इस भाव चेतना में जीते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं कि मुझे कुछ बड़ा करना है, बड़ा एक दिन में तो नहीं होगा, बस आप लगातार लगे रहिए जैसे मैं लगा रहा, तो एक अनपढ़ माँ बाप के बालक को लोगों ने दुनिया का सबसे बड़ा योगी बना दिया। आज मुझे जब लोगों ने कहा कि स्वामी जी आप तो वर्ल्ड सेलिब्रिटी हो योग में, और योग में ही नहीं, आपने कर्मयोग करके, उद्योग करके, योग कर्मयोग उद्योग करके दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड बना दिया। आज पतंजलि की मार्केट कैप जो है ना, लाखों करोड़ रुपए है, माने 1-2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा लोग पतंजलि का कैपिटल मार्केट में मार्केट कैप आँकते, मूल्यांकन करते। हमने योग को, आयुर्वेद को, नेचुरोपैथी को, वैदिक संस्कृति को, सनातन संस्कृति को इतना बड़ा कर दिया है कि आज पूरी दुनिया योग के पथ पर चलने के लिए आतुर है।
तो जैसे मैंने अपने संन्यास धर्म को, अपने स्वदेशी धर्म को, अपने सेवा धर्म को, अपने सनातन धर्म को, ऋषि धर्म को प्रामाणिकता से निभाया, बस मैं चलता गया अपने राह पर और अपने आप मंजिल मिलती गई। तो बस चरैवेति अपने रास्ते पर चलते रहो, एक दिन आप भी सफलता के शिखर पर पहुंचोगे। आपको अपने ऊपर संतोष होगा और आपको लगेगा जिसके लिए विधाता पिता परमेश्वर ने मुझे जीवन दिया था, मैंने जीवन को बहुत अच्छे से जिया है। कुछ भी ऐसा मत करना जिंदगी में जिससे कि आपको आत्मग्लानी हो, आप अपने आप को फेस न कर सके। मैं हमेशा बोलता हूँ, आप एक व्यक्ति नहीं हो, आप संपूर्ण राष्ट्र के प्रतिनिधि हो, आप धर्म संस्कृति के अपने पूर्वजों के प्रतिनिधि हो और मूलतः आप शाश्वत के भगवान के प्रतिनिधि हो। आपके कुछ भी अच्छा या बुरा करने से आप ही नहीं, आपका कुलवंश, पूरी परंपरा, पूरा राष्ट्र, पूरी संस्कृति को यश या अपयश मिलता है। तो कुछ भी ऐसा नहीं करना जिससे कि आपको, आपके कुलवंश को, अपनी संस्कृति को, अपने राष्ट्र को अपयश मिले, अकीर्ति मिले। बस आप सतपथ पर, योग पथ पर, पुण्य पथ पर, पुरुषार्थ के पथ पर, पराक्रम के साथ, वीरता के साथ आगे बढ़ते चले जाना। ये दुनिया आपकी प्रतीक्षा कर रही है कि कोई तो आएगा। चारों तरफ माना कि बहुत संकट हैं, समस्याएं हैं, त्राहिमाम त्राहिमाम हो रहा है, कह माम उद्धरिष्यति। तो आप कहें, मैं आत्मनिर्माण करता हुआ राष्ट्र निर्माण करूंगा, अपना भी उद्धार करूंगा और जगत का भी उद्धार करूंगा, आत्म मंगल करता हुआ लोक मंगल, विश्व मंगल करूंगा। बस इस सपने के साथ आप आगे बढ़ते रहे, मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और जब कभी आपको निराशा हो, सुबह उठ करके आस्था चैनल या इंडिया टीवी आदि पर मुझे देख लिया करो, यूट्यूब पर, फेसबुक पर मुझे देख लिया करो। आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा कि एक सन्यासी जिसको कुछ नहीं चाहिए वो करोड़ों लोगों का भला करने में लगा है, मुझे भी जिंदगी में कुछ बड़ा करना है। और यही बड़ी सोच, उसको पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत और पक्का इरादा आपको शिखर तक लेकर गया।